नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। सागर की बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिक रही अवैध शराब के विरोध में गांव की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया। धरने की जानकारी मिलते ही विधायक निर्मला सप्रे भी थाने पहुंची और अवैध रूप से बिक रही शराब पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कई दिन से क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला इतनी ज्यादा परेशान है, सारी की सारी पुरुष अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दारू को खरीदने में खर्च कर देते हैं। कई बार बहुत परेशान हो, इसके लिए मैंने टीआई भरत से बात की। टीआई साहब से मैंने कहा, सर इस तरफ बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी में, शहर से ही मुझे कंप्लेन आ रही थी, तो मैंने कहा इन लोग को आप तुरंत एक्शन लीजिए। महिलाएं पुरुष सभी परेशान है, जो नहीं पीता वो सब परेशान है, क्योंकि दारू पीने से लोगों के लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं। तो कहने लगा ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। दो तीन दिन हुआ, फिर मैंने उनको याद दिलाया, मैंने सर आपने क्या किया, कल बस आज ही करवा रहा हूँ, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मैंने कहा सर आप कहीं से भी फोर्स करवाइए, लेकिन आप यहाँ पर इन लोगों पर नकेल कसनी जरूरी है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी को लेकर निगम प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल निगम की लापरवाही के चलते स्वर्ण रेखा नदी अब धीरे धीरे नाले में तब्दील होती जा रही है, जिसे लेकर कोर्ट ने निगम के कमिश्नर हर्ष सिंह को फटकार लगाते हुए स्वर्ण रेखा नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश दिया और ठोस प्लानिंग बनाने को कहा। कोर्ट ने निगम कमिश्नर के अलावा डीएफओ अंकित पांडे पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी के आसपास उसके संरक्षण और याली के आदेश की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के बजाय सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो एक समय में ग्वालियर की जीवन दायिनी हुआ करती थी, आज वो नाला है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए वो पूरा मामला चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पेश होते हैं। माननीय न्यायालय ने बार बार सुनवाई के दौरान मसौदा मांगा है कि किस तरीके से इस नदी को रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी ठोस मसौदा जो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, स्मार्ट सिटी के हों, CWC के हों, वन विभाग के हों, जल संसाधन के हों, कोई भी मसौदा पेश नहीं कर पाया है। पहले इन लोगों ने सरकार को गुमराह किया 450 करोड़ से ज़्यादा इस नदी पर सुंदरता के नाम पर, अब ये न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब संभाग स्तर पर अपराधों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा का जिम्मा पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा जाएगा। इसी क्रम में शहडोल में महानिदेशक योगेश मुदगल की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय उच्च बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संभाग के तीनों जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जून के बैठक में हमारे बीच में हमारे मुदगल सर आए हुए थे और हमारे एसपी साहब, हमारे सागर साहब, हमारे सभी तीनों जिले के एसपी साहब और हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग बैठे थे एक साथ, और जो भी पुलिस की और पब्लिक के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में जो समस्याएं थी उनको मुदगल साहब ने बताया, और उस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बोला भी कि इस जोन में कोई भी समस्या नहीं होगी, और सागर साहब ने भी अपने पूरे उससे बताया कि कोई भी क्राइम उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सब लोग भयमुक्त और सब लोग सुरक्षित इस पूरे जोन में रहेंगे, उन्होंने वादा किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी आज हमारे यहाँ भोपाल से ADG मुल्ला साहब आए थे और हमारे शहडोल संभाग के ADG की सागर साहब भी, हमारे उमरिया के जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप पांडे जी, शहडोल के हमारे जिलाध्यक्ष कंवर प्रताप जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमने भी जो समय में जो भी हमारे समय जो हमको दिखा उसको हमने उनके बीच में रखा है, और ADG साहब ने, मुद्दा साहब ने कहा कि ये बातों को हम जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का
यहाँ कुछ क्षति हानि ना हो। शहडोल में बीजेपी के जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत भारत माता दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके हुई। बैठक में विधानसभा की जीत पर चर्चा करने के साथ ही पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत करते हुए 2024 में पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस मुद्दे पर चर्चा की गई। ग्वालियर के ऐतिहासिक मध्य भारत हिंदी साहित्य लाइब्रेरी में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने यहां से 60,000 की नकदी, कई किताबें और जरूरी सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले में प्रबंधक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। साहित्य समिति का एक जो वाचनालय है उसमें से वो सामग्री चोरी होने की सूचना दी थी समिति के जो सदस्य, उन्होंने उस पर से पुलिस ने एक चोरी का मामला पंजीबद्ध किया है और हम चोरों की तलाश कर रहे हैं और जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। जो उनका सामग्री है, जो पीतल की कुछ वस्तुएं हैं जिनकी कीमत समिति के द्वारा सूची प्रदान करने पर बताई जाएगी, लेकिन जो सामग्री गई है उस लगभग 20-30 हज़ार रुपये का सामान उनके द्वारा बताया गया जो चोरी है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राज्यों से आए प्रतिनिधियों सहित विदेशी मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष पंडित मोहन नवानी ने सिंगरौली के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रदेश महासचिव और अधिवक्ता सत्येंद्र पासवान को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से कई भक्त पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक दमोह जिले के बटियागढ़ में रहने वाले खली नाम से मशहूर बद्री विश्वकर्मा भी अपना एक संकल्प लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। बद्री ने बटियागढ़ से अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया है। बताया जा रहा है कि बद्री अपने घर वालों से पिकअप वाहन में बनाए गए रथ से निकले, लेकिन अब वो एक पिकअप वाहन में बनाए गए रथ को अपने बालों से खींचते हुए करीब 501 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे और वहां भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। जय बजरंगबली की। मैं बद्री विश्वकर्मा, जिला दमोह, तहसील बटियागढ़, मध्य प्रदेश। मैं अपने बालों से रथ खींचकर ले जा रहा हूं अयोध्या धाम। मेरी प्रतिज्ञा थी रामलला सरकार अयोध्या धाम में बैठ जाएंगे, मैं अपने बालों से 501 किलोमीटर खींच करके रथ ले जाएंगे। कब यात्रा प्रारंभ? पद यात्रा प्रारंभ करेंगे कल 12 बजे से। ग्वालियर के किला गेट पर मौजूद कंट्रोल की दुकान पर जांच पड़ताल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में यहां से चावल और गेहूं गायब हो गया। मामले में कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा की शिकायत पर कंट्रोल संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्वालियर किला गेट थाने पर जो है खाद्य अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा तानसेन नगर की जो शासकीय मूल की दुकान है वहाँ पे फिजिकल चेकिंग की गई। फिजिकल चेकिंग के दौरान चावल और गेहूँ की जो क्वांटिटी होना था उससे कम पाई गई। उस पर से उनके द्वारा अनियमितता के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। धारा 3/7 EC Act का आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में मौजूद अबार तिगड़ा में अज्ञात लोगों ने पब्लिक प्लेस में गोली चला दी। घटना के दौरान गोली टैक्सी ड्राइवर अमर सिंह यादव के पैर में जा लगी। गनीमत रही कि गोली टैक्सी चालक के पैर को छूते हुए निकल गई। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहाँ फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल टैक्सी चालक के बयानों के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दमोह के सिंग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन सिंगौरगढ़ किले के जलाशय के किनारे हुआ। कार्यक्रम में डीएम एसपी डीएफओ वन समिति की सभापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सिंगौरगढ़ किले के रेंजर आश्रय उपाध्याय ने औषधीय पेड़ पौधों सहित जंगली जानवरों और जंगल से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। वहीं सभी उपस्थित लोगों को प्रशस्ति पत्र देते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। ग्वालियर के वार्ड नंबर 63 मऊ की आंगनबाड़ी में बदहाली देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक इस आंगनबाड़ी में बच्चे आते ही नहीं हैं। वहीं सरकारी सामान और बच्चों के लिए आने वाला खाना जानवरों को परोसने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस बाबत सवाल करने पर आंगनबाड़ी में तैनात टीचर दीपाली राजपूत का कहना है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की शिकायत कर दी है। ग्वालियर के डबरा में प्रशासन ने मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराया। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया के नेतृत्व में की गई। बता दें कि यहां कुछ दबंगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करके घर बनवा लिया था। वहीं मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया है। दमोह की बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां स्कूल प्रशासन ने उनका स्वागत किया। थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच साइबर क्राइम देह व्यापार सड़क सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को अनुशासन का पालन करते हुए सफलता पाने की बात भी समझाई। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या जा रही शबनम शेख सागर जिले के राहतगढ़ पहुंची। उनके पहुंचते ही लोगों ने उनका जगह जगह फूल माला पहनाकर शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। नगर आगमन पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रतिनिधि आकाश सिंह राजपूत और सागर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल ने भी शबनम का स्वागत किया। गौरतलब है कि शबनम शेख मुंबई की रहने वाली हैं और 21 दिसंबर को अपने दो साथियों के साथ अयोध्या जाने के लिए पैदल निकली हैं। अभी तक इन लोगों ने करीब 700 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की है। देखिए, हमें तो शायद 700-750 किलोमीटर हमने रास्ता तय कर लिया है और उद्देश्य यही है कि राम जी के दर्शन करना है और बस यही उद्देश्य है हमारा। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कभी भी हम पहुंचेंगे तो हम दर्शन करके जाएंगे। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आप देख सकते हो सभी सनातनी भाई मतलब लगे हुए हैं, मतलब सेवा के लिए बोल सकते हैं आप, हमारे स्वागत के लिए लगे हुए हैं। पूरे भारत में खूब प्यार मिल रहा है हमें, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक मैं मुसलमान लड़की हूँ और मैं ऐसे हिंदुओं के बीच से निकलूंगी और मुझे उनके घर में खाना, उनके थाली में खाना खाने मिलेगा, उनके घर में रहने मिलेगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। नरसिंहपुर से अयोध्या के लिए रामभक्तों की टोली रवाना हुई है। खैरी नाका में रहने वाले पूर्व सरपंच ब्रिजेश पटेल अपने साथियों के साथ अयोध्या के 650 किलोमीटर लंबी यात्रा पर साइकिल से निकले हैं। यात्रा के संबंध में उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर को पत्र भी सौंप दिया है। ये यात्रा आज यानी 12 जनवरी को रवाना हुई है, जो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा नरसिंहपुर से अयोध्या की ओर रवाना हो रही है और यह यात्रा माननीय हमारे ब्रजेश जी का एक संकल्प था कि जिस दिन भव्य मंदिर बनेगा उधर हम वहाँ जाकर दर्शन करेंगे प्रभु के। आज वह शुभ अवसर उन्हें प्राप्त हुआ, इसीलिए 12 तारीख से इस यात्रा को युवा दिवस, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव, 12 तारीख युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। और ये तीनों साथी, बल्कि युवक पाँचों साथी युवा हैं, इनके भीतर एक उत्साह है, उठो जागो, जब तक आपके संकल्प पूरे न हो तब तक निरंतर अभ्यास करते रहो। दमोह के सिटी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर पति पत्नी के साथ उनका एक बच्चा भी बैठा था। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कहां से कहां जा रहे थे आप? म्यांमार जा रहे थे। काय के लिए? दीदी हरिद्वार।
अच्छा, कौन किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या नाम है उनका? तो हीरा भाई हुई, पत्नी है माई। अच्छा, आपका क्या नाम? अमर सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम मेनवाल जा रहे थे, सागौन से आए बड़ी सागौन। अच्छा। कौन सी बस है? अब बस नहीं देख पाई भाई। तो बस वहीं पे है या निकल गई? बस निकल गई। अच्छा, टक्कर मार के चले गए। नंबर वगैरह कुछ नोट किया? कुछ नहीं है। अच्छा, फिर कैसे लेके आए थे आप? ले आए भाई, पुलिस वाले मिले वैसे कहने लगे ले चल तुम अस्पताल, हम गाड़ी ले आ रहा हूँ, गाड़ी दे दी। आपका ऐसे मोटरसाइकिल से थे? बच्चे लोग भी साथ में थे? कितने लोग बैठे थे आप मोटरसाइकिल? चार जन। सागर के बंडा ग्राम कोयला के पास बस ने साइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम करते हुए जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। एक्सीडेंट हुआ है, फिर क्या हुआ? हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर तो थोड़ी सी जान हुई है, फिर यहीं ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्ती रेफर कर दिया, तो हमने अरिया में जान गए, बाटल देगी तो वो चल नहीं रहे थे, फिर जान देगी तो कोई नहीं है था। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम नहीं है पता, डॉक्टर ने ज़बरदस्ती रेफर किया है। क्या है, हमें एम्बुलेंस स्टाफ में EMT हैं और हमें एक केस मिला था, CSC बंडा से रेफर केस था, तो उसके कोई वाइटल नहीं थे और डेड पेशेंट था, यहाँ से रेफ़र कर दिया। पब्लिक प्रेशर में हम लेके गए तो उनके परिजन है जो, उन्होंने कहा भैया हम इतना आप खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वहाँ से हमें लाना पड़ेगा वापस। तो हमने बीच में अपने जो रहता है हमारा जो सिस्टम, हमने ERCP करवाई, डॉक्टर से भोपाल में कॉल किया, उन्होंने हमें मना किया, नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल पड़े वहाँ छोड़ देना। दमोह में स्वामी विवेकानंद जयंती पर माँ शारदा कोचिंग क्लास में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत यादव रहे, जिन्होंने विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दमोह के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के लगभग सभी विभागों के अधिकारियों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार करते हुए योग किया। इस दौरान कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने भी सूर्य नमस्कार किया और सभी को नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस, इसके अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया है सभी के द्वारा। मेरा ये कहना है कि लोग सभी लोग उसको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में अपने थैंक यू। देशभर में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में भव्य तरीके से मनाई गई। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर और CEO जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, ADM KC बोपचे, संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, SDM समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और जो उनकी सोच थी कि युवा भारत और युवा भारत में 21वीं सदी भारत की होगी, तो उनके जो विचार थे, भारत का ध्यान, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा दुनिया में फैले, इसी को लेकर के आज हमारी सरकारें काम कर रही है। और निश्चित तौर पर आज हमारा भारत आगे बढ़ता हुआ भारत है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए भारत को मजबूत कर रहे हैं। भारत हम सभी की जो मंशा है कि भारत माता परम वैभवम विराजे, भारत विश्व गुरु बनाए, और विवेकानंद जी ने इसी पर जोर दिया था। विवेकानंद जी का जोर था और युवाओं को उनका संदेश था कि उठो जागो और तब तक ना बैठो जब तक कि हम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सकें। तो इसको इसी बात को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर से विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करते हुए देश की सेवा में लगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी।